तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तड़का दाल, या फिर ढाबा स्टाइल आप उसे बोल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह की हम दाल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी अरहर की दाल ली है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चने दाल भी मिक्स कर सकते हो, या फिर आपके पसंद की कोई भी दाल आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, 1 से 2 चम्मच। तो मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है, 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब हम कुकर में दाल को डाल देते हैं। तो फ्रेंड जिस कटोरी से मैंने दाल को मापा है उसी कटोरी से हम पानी भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। फिर इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो होता क्या है चूल्हे में कि कुकर से बाहर पानी आने लगता है, वो उसकी वजह से पूरा हमारा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ 3 कटोरी ही पानी डालेंगे। तो ये 3 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो फिर इससे होगा क्या कि जैसे हम कुकिंग ऑयल डालेंगे तो इससे कुकर से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। आप देखते हैं कि जब भी दाल बनाते हैं हम तो कुकर से पूरा पानी बाहर आने लगता है, तो इस ट्रिक से कुकर से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो चलिए अब ढक्कन बंद करके हम इस पर मीडियम आंच पर रख देते हैं गैस पर। मीडियम आंच पर में 2 सीटी हम इसे लगा लेंगे, 2 सीटी में हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो ये देखिए 2 सीटी लगा लिए मैंने, कुकर ठंडा भी हो गया है। तो मैं दिखा देती हूँ रेस्टोरेंट में फ्रेंड बिल्कुल इसी तरह से, ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी दाल रहती है जो थोड़ी सी मुँह में आती है फ्रेंड, तो बहुत ही खाने में इसका टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो अगर आप एकदम गली हुई मैश करी हुई दाल खाना चाहें तो 1 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये तड़का दाल घी में ही बनती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घी में। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और ये मैंने राई भी डाल दी है, वो अच्छे से तड़क गई है। अब मैं 1 चुटकी इसमें हींग डाल देती हूँ और 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। तो जीरा, राई और हींग को थोड़ा सा भुनेंगे। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 3 लाल मिर्च। तो इन तीनों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो 1 मिनट भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे 6 से 7 बारीक कटी हुई लहसुन, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारी लहसुन अदरक वो अच्छे से भुन चुकी है। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी 1 बारीक कटी हुई डाल दी है और 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो फिर रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसी तरह से दाल बनाई जाती है। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भुनेंगे।
तो मीडियम आंच पर हमें अच्छे से भुनना है प्याज को। और यहीं पर हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि हम नमक पहले दाल में भी डाल चुके हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है यहाँ पर। तो नमक डाल करके एक मिनट फिर से हम भून लेते हैं प्याज को। और अब हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी, इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है फिर। तो थोड़ी सी हम इसे क्रश करके डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये रेड चिली डाल रही हूँ, जो कश्मीरी मिर्ची है, इससे बहुत ही अच्छा दाल का कलर आ जाएगा और हल्का सा तीखापन भी आ जाएगा। और एक चम्मच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और भून लेंगे हम कुछ सेकंड। और फिर अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दो कटे हुए टमाटर, एकदम बारीक कटे हुए टमाटर है, तो हम भून लेंगे एक मिनट टमाटर को भी। तो फिर अगर बहुत बार क्या होता है ना कि फिर बहुत से लोग को इसे खड़ा खड़ा टमाटर खाना चाहते हैं दाल में, तो आप अगर खड़ा खड़ा सा टमाटर थोड़ा खाना चाहें तो इसे ज़्यादा ना भूने, मगर मैं थोड़ा सा इसे गलाऊंगी इसमें, तो इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा इसे अच्छे से मेस करते हो जाए, बस इतना मैं भूनूंगी इसे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक मिनट तक भूनेंगे हम। फिर अब हम इसे ढक करके एक मिनट और भूनेंगे टमाटर और मसालों को। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर, तो इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा दाल में। तो एक मिनट, सिर्फ एक ही मिनट हम ढक करके पकाएंगे। तो एक मिनट हो गया है और हमारा टमाटर भी गल गया है और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। और अब डालेंगे फिर हम इसमें दाल, तो हमारी तैयार की हुई दाल हम इसमें डाल देंगे। ये थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं हम दाल को और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये दाल मैंने डाल दी है, अच्छे से हम मसालों में दाल को मिला लेंगे। तो फिर अब पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कि आप दाल को गाढ़ा खाना चाहें तो पानी ना डालें, और अगर थोड़ा सा रसे वाली है, थोड़ी सी पतली दाल खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है दाल, इसलिए मैं सिर्फ आधी कटोरी पानी इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहीं पर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक मिनट के लिए हम ढक करके पका लेंगे। अच्छे से बॉईल हो जाएगी दाल, बस इतनी देर हमें बॉईल करना है। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये दाल बिल्कुल हमारी बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम दाल को निकाल देते हैं एक सर्विंग बाउल में। अब हम तड़का तैयार करेंगे हमारी दाल का। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ,
घी गरम हो गया है, एक चुटकी हम इसमें हींग डालेंगे। आधा चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। गैस को बंद कर देंगे, तड़का बिल्कुल तैयार है हमारा। चलिए अब दाल पे तड़का डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये दाल बिल्कुल हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वो फ्रेंड अगर मेरे वीडियो आपको थोड़े से भी अगर पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।